हेलो फ्रेंड्स, CGPSC अंतरात्मा की बात में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सेकंड पार्ट। और पहला पार्ट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। तो पहले पार्ट में हमने बात किया था, मतलब CGPSC क्या है, कैसे समझना है, और मतलब अगर स्टार्टिंग से तैयारी करनी है तो कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए एक्चुअली में, तो वो सब के बारे में हमने बात किया था। तो आज उसके आगे हम कुछ बातें करेंगे। तो हमने ये कहा था उस लास्ट में कि आजकल के बच्चे जो हैं, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ही पूछोगे क्या करोगे आगे जाके, तो वो बोलेंगे कि भाई हम भी CGPSC की तैयारी करेंगे। CGPSC वो जानते नहीं हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और देखोगे आप लोग तो 12वीं के बाद ही तुरंत, मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब वो CGPSC में उतर जाते हैं। मतलब लोग वो अपना ना स्कूल लाइफ जी पाते हैं ना कॉलेज लाइफ जी पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि लाइफ का हर एक पार्ट, हर एक मोड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमको तल्लीनता से जीना चाहिए उस लाइफ को, नहीं तो वो बाद में बहुत पछतावा होता है। मतलब जीना चाहिए ये कि मतलब सज्जनता से और विनम्रता से जीना है, ऐसे हुल्लड़बाजी से नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे कॉलेज के सेकेंड ईयर में पहुँचे, उसके बाद हमको CGPSC का सिलेबस वगैरह देख के, CGPSC क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है एक्चुअली, क्या प्रशासनिक सेवा है, क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन है कि क्या है, वो उसे समझना है। उसके बाद धीरे धीरे हमको फाइनल ईयर में आते आते रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद हमको देखना है कि हाँ भाई कौन सा कोचिंग, क्या कोचिंग कौन सा सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं देखना है कि जहाँ पे भेड़िया धसान टाइप का घुसे पड़े हैं हजारों लोग, उधर ही घुस जाए, हाँ भाई हजारों लोग हैं तो कोचिंग अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, आप 3-4 जगह डेमो कीजिए, और जहाँ भी पढ़ाने का तरीका, टीचर के पढ़ाने का तरीका 5-6 दिन में समझ में आ जाता है, तो जहाँ भी उनके पढ़ाने का तरीका आपके दिमाग में घुसना चाहिए, और वहाँ पे हर बच्चे को प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ देख के आप अपना डिसाइड कीजिए कि कौन सा कोचिंग हमारे लिए बहुत अच्छा है। और नहीं करना है कोचिंग तो आपको सबसे पहले NCERT का बुक पकड़ लीजिए, और शुरू से बेसिक क्या होता है भूगोल, क्या है हिमालय, क्या है हिमालय का मतलब विस्तार, और भूस्खलन क्या है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब किसी भी चीज़ को भूगोल से शुरू कीजिए। फिर इतिहास पढ़िए, मैथ्स डेली लगाते जाइए अगर स्वयं तैयारी कर रहे हैं तो। और यूट्यूब में भी सबका गाइडलाइंस दुनिया भर का बहुत सारा है, उस सबको सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को फॉलो करिए तो आप तल्लीनता से कर पाएंगे, नहीं तो भटकते रहेंगे। तो वे सबको देखते हुए उसके बाद आप डिसाइड करके फिर मतलब अपने आप को पूरा लगभग मेंस की तैयारी करनी है तो किसी भी हाल में 1 से 1.5 साल पूरी तरह से अपने आप को झोंक दीजिए। मतलब झोंक दीजिए मतलब ये है कि बाकी सब चीज़ भी करनी है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना घूमना फिरना भी सब चीज़ होना चाहिए। तो आपको तल्लीनता से अगर कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और अपने आप को अपनी ईमानदारी से 1.5 साल पूरी तरह से अपने आप को मतलब पूरा प्रिपेयर कर लेना है कि हाँ भाई मेरा अब मेंस का तैयारी हो चुका। और उसके साथ साथ आपका प्री का भी होते जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, साथ में प्री भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। उसके बाद अब एग्ज़ाम आता है तो आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव भर भर के लगाना है प्री के लिए। ऑब्जेक्टिव भर भर के लगाइए, मेंस का तैयारी आपका हो चुका है, फिर रिवाइज़ करते रहिए उसको थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जब फिर आप मान लीजिए आपका प्री निकल गया, उसके बाद मेंस के लिए जो समय बचता है 3-4 महीना, उसमें आप उसको पूरा बेहतरीन तरीके से रिविज़न मारिए, तो आपका हो सकता है 1 या 2 बार में ही PSC जो है आप पोस्ट पा सकते हैं। PSC में कंटिन्यूटी जो इंसान कर लिया वो सफल हो जाता है। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, मतलब अगर कोई इंसान हर दिन 4 घंटे पढ़ रहा है, 3-4 घंटे कोचिंग करने के बाद या जो भी हो, और नहीं कर रहा है कोचिंग तो हर दिन 5 घंटे भी पढ़ रहा है, और अगर वो लगातार 1-1.5 साल तक लगातार अगर वो सही में 4-5 घंटे हर दिन पढ़ रहा है, एक आध दिन त्यौहार व्यवहार को छोड़ के, कुछ बहुत विशेष परिस्थिति में छोड़ के, बाकी नहीं छोड़ना है, उसको कर रहा है अगर वो, तो 100% उसको सफलता मिलेगी। और ये जो ये कंटिन्यूटी है ना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई इंसान जैसे 18-19 साल में ही तैयारी शुरू कर दिया, ठीक है, एग्ज़ाम का देने का एज क्या है 21 साल, कई लोग 17 में भी शुरू कर रहे हैं, तो 18, 19, 20, 21 ऐसे 4 साल तक लगातार जो आदमी कंटिन्यूटी कर लिया ना, बहुत कम लोग कंटिन्यूटी कर पाते हैं, बहुत कम लोग, इसलिए कोई मतलब नहीं है, वो जाके भटक जाते हैं। तो जितने साल भी आप कर रहे हैं, जैसे आप 17 साल में शुरू कर दिए, आपका कोर्स ख़त्म हो गया 18.5 साल में, अब आप लोग 19वां साल 20वां साल और 21वां का अंत तक आते तक आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा,
तो आप बहुत जल्दी सफलता पाएंगे। सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रख रहे हैं। बस 17 साल 18 साल में कोचिंग कर लिए, कोचिंग करने के बाद फिर पढ़ लिए जो पढ़ना था, उसके बाद एक दो साल छोड़ दिए, कोई रिवीजन विजन नहीं, कुछ नहीं, मेरा तो भाई 21 साल में एग्ज़ाम दे पाऊँगा, तब तक छोड़ दिया आदमी, तो वो ख़त्म, कोई मतलब नहीं उसको, व्यर्थ है। इसीलिए थोड़ा सा देर से तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी अगर कर रहे हैं तो वो सफलता पा जाता है। और मतलब एकदम लगातार करना है, कुछ साल तक अपना बांध लो कि भाई इस साल तक मेरे को CGPSC तैयारी करना है, उसका एक प्लान भी रखना बहुत ज़रूरी है। हो गया तो ठीक, क्योंकि हमने तो पूरी लगन और हर चीज़ से मेहनत किया था, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, खुश रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके लिए भगवान ने कुछ और ही सोचा है, तो हमको उस तरफ सोचना है और प्लान बी की तरफ सोच के उस पर कार्य करना है और सफलता हासिल करना है, जो कि अवश्य होगा। क्योंकि CGPSC की तैयारी जो है ना, मैं बोलता हूँ ना, किसी से पूछो तो क्या है CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक प्रोफेशन बन गया है। और एक बात ज़रूर बोलूँगा, जो एक सामान्य ग्रेजुएशन आदमी जो कर रहा है वो, और एक CGPSC की जो पूरी तैयारी की है, जिसमें कि वो सभी 7 सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें दर्शन भी आता है, ऐसे ऐसे दार्शनिक लोगों की बातें सुन के, और ऐसे ऐसे भूगोल की पढ़ाई करके, इतिहास की पढ़ाई करके, और ऐसे समाजशास्त्र की पढ़ाई करके, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करके, उसका दिमाग इतना विकसित हो जाता है ना कि वो एक समाज के लिए बहुत अच्छा प्राणी बन जाता है। मतलब वो लोगों से एकदम हट के दिखेगा, अपने आप को कोई एकदम वो नहीं मानना है, हताश नहीं होना है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। सिलेक्शन हो या ना हो, हमको ये सोचना है कि हम बाकियों से अलग हैं, बाकियों से श्रेष्ठ हैं हम, और इतना विश्वास रखना है कि हम आगे भी श्रेष्ठ करेंगे। और अगर CGPSC में नहीं भी होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि CG व्यापम के किसी बेस्ट जो पोस्ट है होता है, वो बहुत बेहतरीन पोस्ट वो ज़रूर पा जाते हैं। CGPSC की तैयारी करने के बीच में 21 साल के बाद आप CGPSC की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम जैसे होता है व्यापम के, कुछ श्रम विभाग का हो गया और ट्राइबल डिपार्टमेंट का हो गया, है ना, राजस्व विभाग का हो गया, कोई कोई अच्छे अच्छे पोस्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसको अवश्य देना है। उसके लिए आप अलग से पढ़िए मत, बिल्कुल अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, अपना मार्ग मत भटकाइए, लेकिन उस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिए, तो वहाँ से आपको मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, क्या है, मतलब वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए, जैसे पटवारी आ गया, पटवारी के लिए अलग से पढ़ने लगे, कंप्यूटर ये करने लगे, और राजस्व उसमें हो गया, ट्राइबल में अधीक्षक वो करने लगे, गणित में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, ऐसे अलग अलग चीज़ें नहीं करनी है, बस एग्ज़ाम दे देना है। बाकी पढ़ना और तैयारी मेन हमको CGPSC का ही करना है, प्री और मेंस को भटकना नहीं है। बहुत लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, मेरा नहीं हो रहा। होगा आपका, ज़रूर होगा, अगर आप सच्ची लगन और मेहनत से कर रहे हैं, अपने आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, तो आपको सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगी, ऐसा बोलना बस नहीं है, होता भी है, ऐसा होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों इतनी बातें सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पहले बेल नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर बताएं, मैं इसका अगला पार्ट फिर से लेके आऊँगा, बहुत बेहतरीन चीज़ें, बात जो अंतरात्मा की बात है वो लेकर आऊँगा। और अगले पार्ट में अगर आप चाहेंगे तो मैं CGPSC व्यापम के जो हम कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो बुक लिस्ट भी लेकर मैं ज़रूर आऊँगा दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और क्या क्या आप और चाहते हैं। अगर मेरी बातें सही में अच्छी लगती हैं तो थैंक यू सो मच, और नहीं भी लगती हैं तो कोई बात नहीं, मैं आगे और प्रयास करूँगा अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच।